हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, रोज़ की तरह आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। इस टॉपिक का क्या नाम है फ्रेंड्स, आइए इसको देखते हैं। इस टॉपिक का नाम है फ्रेंड्स, प्राइमरी मार्केट। जी हाँ फ्रेंड्स, प्राइमरी मार्केट्स, इसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि IPO के थ्रू भी समझते हैं। IPO आजकल हम देख सकते हैं कि IPO का बाज़ार काफ़ी गर्म है, IPO का बाज़ार काफ़ी अप है। तो वास्तव में होता क्या है IPO, आज हम लोग इसको समझेंगे कि IPO आखिर होता क्या है। फ्रेंड्स, IPO में जो कंपनियां होती हैं, ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड कंपनियां होती हैं, लिमिटेड कंपनियां होती हैं, वो अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकती हैं। और वो अपने शेयर को किसे ट्रांसफ़र कर सकती हैं? पब्लिक को, FII को और DII को, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ट्रांसफ़र कर सकती हैं, अलॉन्ग विथ जनरल पब्लिक को। अब तक ये शेयर्स किसके पास रहते हैं? अब तक ये शेयर्स थे प्रमोटर्स के पास। जी हाँ फ्रेंड्स, अब तक ये शेयर्स जो है प्रमोटर्स के पास होते हैं। और प्रमोटर्स वो होते हैं जिन्होंने कंपनी को शुरू किया था, जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया था, ठीक है। अब प्रमोटर अपने शेयर को बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? उसके कारण हो सकते हैं, या तो वो कंपनी से निकलना चाहते होंगे, या फिर वो कंपनी को और ऊंचाई पर ले जाने के लिए उसमें और पैसे की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती होगी, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द कैपिटल। या तो वो कंपनी से निकलना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं, या फिर वो कंपनी को और ऊँचाई पर लेके जाना चाहते हैं। तो इस तरह से पैसे की ज़रूरत होती है। रेजिंग फंड थ्रू IPO डज नॉट क्रिएट फाइनेंशियल बर्डन। अब ये एक एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि जब हम पैसा मार्केट से उठाते हैं, मार्केट से पैसा उठाएंगे तो हमारा एक परसेंटेज पड़ेगा, यानी कि हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम पैसा शेयर को बेच के अगर हम उठाएंगे तो हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर हम पैसा शेयर मार्केट से यानी कि शेयर बेच के अगर उठाते हैं तो कोई फाइनेंशियल बर्डन कंपनी के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। ये एक बड़ा फ़ायदा होता है IPO के थ्रू पैसा उठाने से। आगे क्या होता है कि जो पूरा का पूरा रिस्क है, अभी तक तो वो रिस्क किसके पास था? अभी तक वो रिस्क जो है वो प्रमोटर्स के पास था। अब ये जो एंटायर जो रिस्क है इसको बढ़ा दिया जाएगा। और इसको जब हम शेयर बेचते हैं तो होता क्या है कि उसको खरीदते हैं, काफ़ी सारे लोग खरीदते हैं, नाउ दे आर द पार्ट ऑफ द कंपनी, पार्ट ऑफ द कंपनी, अब वो कंपनी के हिस्सेदार हो जाते हैं। यानी कि अब तक कुछ लोग ही उसके हिस्सेदार थे, अब और भी लोग उसको चलाएंगे। तो इस तरह से जो रिस्क होता है वो काफ़ी फैल जाता है, यानी कि रिस्क का अब बंटवारा हो जाता है। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है। आगे देखते हैं कि प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स वो कंपनी से कभी भी निकल सकते हैं। ये एक फ़ायदा होता है IPO के माध्यम से। जब शेयर बेचा जाता है तो जो प्रमोटर्स हैं और या इन्वेस्टर्स हैं, जो भी हैं, अगर वो निकलना चाहते हैं, इफ़ दे वांट टू एग्जिट दे कैन डू इट। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ विंडो वेयर यू कैन एग्जिट। ये एक तरह से आपको रास्ता देता है कि आप ये निकल सकते हैं। आगे देखते हैं कि कंपनी इज़ रिकॉग्नाइज बाय द जनरल पब्लिक। देखिए, जब आप एक नॉर्मल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैं तो ज़्यादातर लोग आपको नहीं जानते, ओके, नोबडी नोज यू। बट अगर आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैं, ऊपर से आप एक लिस्टेड कंपनी हो, तो आपको लोग जानते हैं। तो उसका असर क्या होगा? उसका असर आपके मार्केट शेयर पे पड़ सकता है कि हाँ भाई, कंपनी एक रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है। अब हम टाटा की बात करें तो भाई इसको सभी लोग जानते हैं, रिलायंस की बात करें तो इसको सभी लोग जानते हैं। तो ये सब कंपनियां क्या हैं? दे आर नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दे आर लिस्टेड कंपनी, दे आर लिमिटेड कंपनी, ओके। तो जनरल पब्लिक को के बारे में, जनरल पब्लिक को एक अच्छा एक ओपिनियन होता है इन कंपनियों के बारे में। और एक एडवांटेज क्या है कि एम्प्लॉइज़ भी एक अच्छा फील प्राउड महसूस करते हैं, और उन्हें समय समय पर शेयर अलॉटमेंट भी मिलता है। इसके माध्यम से वो कंपनी में अच्छा एक डेडिकेशन से वर्क करते हैं, ओके। तो इस तरह से IPO में क्या है कि जो प्रमोटर्स होते हैं IPO के माध्यम से, वो प्रमोटर्स अपने शेयर्स जो है वो सेल करते हैं, और सेल करके वो एग्ज़िट कर सकते हैं, या फिर वो कंपनी में पैसा
जा सकता है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि कंपनी को पैसा मिल सकता है या प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेच के निकल सकते हैं। ये ओवरऑल जो सिस्टम है इसको हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। जब कंपनी शेयर आपको दे रही है तो ये आपका हो गया प्राइमरी मार्केट। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को आईपीओ से रिलेटेड ये सारा कुछ जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि आप लोगों को और भी वीडियोस इससे रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और शेयर बाजार से रिलेटेड और भी वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।